हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, अभी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, तो इसमें आपको कोई पाइल नहीं सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट आपको रीडिंग देखना है और जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट कर रहा है उसी को लेना है, बाकी किसी और के लिए होगा। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको कैसे रेजोनेट हो रही है। और अगर आप किसी और नए टॉपिक में रीडिंग चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और साथ में अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस और जजमेंट। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है यहाँ डेविल। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस और यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? तो आपके पर्सन आपके लिए अभी करेंटली ये फील कर रहे हैं कि उन्हें अचानक से उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मेजर चेंज उनके लाइफ में आया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हुआ है। मींस उन्हें कुछ अपने बारे में और इस आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में उन्हें कोई क्लैरिटी आई है। ठीक है, तो पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया, पास्ट में आपको बहुत वेट कराया, आपके साथ जो सिचुएशन है उसमें आपको कुछ भी फर्म अपना डिसीजन नहीं दिया, आपको हमेशा अधर पे आप ऐसे लटके रहे, ऐसे टाइप का आपका सिचुएशन रहा। मींस आपको इस पर्सन ने इस तरीके का दुख दिया, पर अब प्रेजेंटली इस पर्सन का जो है व्यू आपके लिए चेंज हो रहा है और इनको ऐसा लगता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी किया वो बहुत गलत था और इन्होंने उनको अब इस चीज़ का दुख हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इनके दिल में आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी आ रहा है, बहुत ये फिजिकल आपसे अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं और एक आपसे एक बॉन्ड है आपके पर्सन का जो कि वो हटा नहीं पाते हैं, उसे भुला नहीं पाते हैं, ऐसे फीलिंग्स है आपके पर्सन के आपके लिए। साथ में यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं और साथ में अभी आप उनके लिए बहुत एक खूबसूरत इंसान हो, इन एंड आउट बहुत आप खूबसूरत हो और जो कि उन्हें समझता है, ऐसे भी आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आई है। अभी इनके लाइफ में जैसे मैंने कहा कुछ क्लैरिटी आई है जिसकी वजह से इन्हें वो एहसास हो गया है कि आप इनके लाइफ में क्या प्लेस रखते हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट में भी आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड तो थे ही, तभी आप दोनों का रिलेशनशिप था, पर यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपको आपके पर्सन एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह भी देखते हैं और साथ में उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ वो अपनी जो पूरी बातें शेयर किया करते थे वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत मिस करते हैं। तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो पास्ट में सही नहीं था, हो सकता है अभी इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने आपके साथ किया उस वजह से आ रही है। तो एक ये वेकअप कॉल की तरह है उनके लिए, उनको यूनिवर्स से ये वेकअप कॉल आया है कि जो भी इन्होंने किया है वो गलत है, अब इनको वो क्लैरिटी आई है, अब इनको एहसास हो गया है कि आपके लिए जो इनके दिल में प्यार है वो बिल्कुल प्योर है और आपका जो प्यार है इनके लिए वो प्योर है। तो आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें अभी उनके दिल में चल रही है। तो हम कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि ये हैंग मैन यहाँ पर क्यों है, व्हाट इज हैंग मैन रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज हैंग मैन रिप्रेजेंटिंग हियर,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैंगमैन को कवर कर रहा है, तो ये बता रहा है कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत इस इंसान को रेस्पेक्ट दिया है, प्यार दिया है, और अपना टाइम आपने सब कुछ इस पर्सन के ऊपर निछावर कर दिया। तो ये हैंग्ड मैन यही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज हो रही है कि उन्होंने तो उसके बदले कुछ भी नहीं किया, उसका 1% भी नहीं किया जितना कि आपने उनके लिए किया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि वॉट इज एम्प्रेस कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, वॉट इज एम्प्रेस रिप्रेजेंटिंग हियर, एम्प्रेस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको वेट कराया है, और साथ में ये जो वेटिंग का कार्ड है, साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पर्सन किसी अपॉर्चुनिटी या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन लेने वाले हैं, वो यही इस बारे में सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आए, पर उनके पास अभी थोड़े स्लो है ये पर्सन, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बना के फिर आपके पास आना चाहते हैं, मीन्स कोई उनके पास ठोस प्लान होगा, आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और देखते हैं वॉट इज एस ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंटिंग, वॉट इज एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड यहाँ क्या दिखा रहा है, किंग ऑफ रॉड्स। ओके, तो अब आपके पर्सन किसी एक्शन लेने के मूड में है, हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे, मीन्स आप दोनों का जो रिलेशनशिप जो है उसमें क्लैरिटी लाने के लिए आपके पर्सन आपसे बात भी कर सकते हैं। वॉट इज जजमेंट रिप्रेजेंटिंग हियर, वॉट इज जजमेंट कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो उनको ऐसा भी फीलिंग है आपके लिए कि शायद आप उनसे अभी नाराज़ हैं, इस तरीके के फीलिंग्स उनके दिल में हैं, क्या आप उनके साथ बात करोगे या आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आ रही है। और देखते हैं व्हाट इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज क्वीन ऑफ वैंड्स रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि जैसे मैंने बताया आपको कि आपने बहुत इस पर्सन को प्यार दिया, आपने अपना पूरा निछावर कर दिया खुद को इस पर्सन के लिए, और बहुत पेशेंटली आप इस पर्सन का इंतज़ार करते रहे, पर ये पर्सन जो है बिल्कुल ही स्लो, बहुत आपको पता है कि इनके दिल में प्यार है, फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो रहे इस रिलेशनशिप में। और देखते हैं व्हाट इज किंग ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज किंग ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ रॉड्स। ओके, तो इस इंसान ने आपको हमेशा कमिटमेंट इश्यूज आप लोग के बीच में रही है, ये पर्सन ऑन ऑफ रहे हैं आपके बीच में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ एब्यूसिव भी रहे हो, मीन्स बातों से या फिर फिजिकली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन एब्यूसिव रहे हो और आपको इन्होंने तकलीफ दी है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी यही बता रहा है कि कुछ किसी तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप था पास्ट में, और साथ में यहाँ इस पर्सन में फिजिकल अट्रैक्शन जो है आपके तरफ वो बहुत स्ट्रांग है, उसी की वजह से ये पर्सन हमेशा ब्रेक लेकर फिर आप ही के पास वापस आ जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ दिख रहा है, फिजिकली आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपके पर्सन के नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। तो आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनसे नहीं पता बात करोगे कि नहीं, या आप उनसे नाराज़ हो, इस तरीके के फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में हैं। तो और देखते हैं आपके पर्सन और उनकी अभी फीलिंग्स क्या है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है। रोमांटिक फीलिंग्स, मेक द एफर्ट, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में अभी आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ चुके हैं, और वो आपके तरफ कुछ कदम उठाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे फिर से
प्यार जो है उसे रिन्यू करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, एक नई तरीके से प्यार की शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ कि उन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों किया। वो इस नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी में थे, मीन्स कि ऑन ऑफ रहे रिलेशनशिप में, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अब उन्हें वो एहसास हो चुका है, अब वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, पर क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में चल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है डेविल का कार्ड है, फिर मून का कार्ड है। जो मून का कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्हें किसी बात का बहुत ज़्यादा डर है, या इनका पास्ट में इनका जो नेचर रहा है बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रहा है, उसकी वजह से आपने ही शायद इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है बहुत आपको दुख दे रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था और बहुत एंजाइटी में थे आप। तो अभी आपके लाइफ में वो बैलेंस आया है और आप चाहते हो कि इस पर्सन से आप दूर ही रहो। तो आपके पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑनेस्टली बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। Whenever I see your eyes, I feel I know you not from this birth but from many lifetimes. तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको इस जन्म से नहीं कई जन्मों से जानते हैं। Why I didn't understood your love, now I regret. तो पहले हो सकता है इन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया हो, या फिर इन्होंने आपको पास्ट में नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, अब इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। You are my soulmate. तो इनको इस बात का एहसास है कि आप इनके soulmate हो। Don't disturb me. तो past में हो सकता है कि ये person को आप call करते थे तो ये आपको block कर देते थे, या फिर आपसे बात करने में interested नहीं रहते थे। I feel lonely. You are not with me. तो अभी बहुत अकेला feel कर रहे हैं कि आप इनके पास नहीं हो। We can talk without words. तो आप दोनों एक दूसरे के, या आपके पर्सन जो है, जब आप कुछ फील करते हो तो आपके पर्सन भी उस इमोशंस को कैच कर लेते हैं, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। You are the most beautiful person inside, outside whom I met. तो आपको बाहर से भी और अंदर से भी आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं। वन साइडेड लव, पर अब उनको लग रहा है कि शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको इतना दुख दिया है और इग्नोर किया है, कमिटमेंट आपको नहीं दी है, फोकस आपके तरफ इनका नहीं रहा है, तो इनको अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये वन साइडेड लव रह गया है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि पहले उनको लग रहा है कि आपके साथ उनकी जो दोस्ती है वो भी एंड हो गई, तो बहुत दुखी हैं। आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से, अगर वो आपको बोले भी नहीं कि वो आपको आई लव यू जो है ये सेंटेंस बोले भी नहीं, फिर भी वो आपको चाहते हैं, आपको ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए हम गाइडेंस भी देखते हैं कि आपके साई बाबा का क्या गाइडेंस है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए साई बाबा क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, जो भी रीडिंग देखते हैं उनके लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। जीवनावधि। ठीक है, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये साईं बाबा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर एक रिश्ते का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उस रिश्ते को समाप्त होना ही होता है। ठीक है,
और देखते हैं। जो भी रीडिंग देखे उनके लिए और क्या मैसेज है साई बाबा का? उनके लिए और क्या मैसेज है साई बाबा का? बदलाव जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। ठीक है, तो जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ चेंज होता है एक टाइम के बाद। तो परिवर्तन जो है वो अटल है, वो फिक्स्ड है कि परिवर्तन होगा ही। तो जैसे सुबह होता है तो फिर रात भी होता है, ठीक है, दिन होता है तो रात भी होता है। तो चेंज प्रकृति का नियम है। उसी तरीके से आपको साई बाबा का ये मैसेज है कि जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए और अपने लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। जैसे यहाँ ड्राइनेस से, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है पर यहाँ फूल है, यहाँ पर हरियाली है, तो उसी तरह आप भी अपनी सोच को इस तरीके से करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, साथ में आप लाइक भी कर दीजिए जिससे कि आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहे एंजल्स की, और साथ में मैसेज भी आप इसमें कमेंट्स भी करिए जिससे कि मुझे पता चले कि ये आपको रेजोनेट हो रहा है नहीं और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।